हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑसम नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब भारत में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच आप एक मशीन का नाम ज़रूर सुन रहे होंगे और उस मशीन का नाम है वेंटिलेटर। क्या आप जानते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है और एक कैसे किसी व्यक्ति की जान बचा लेता है और एक वेंटिलेटर की कीमत क्या होती है? अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, वेंटिलेटर एक तरह की मशीन होती है जो कि किसी मरीज को सांस लेने में मदद करती है, जिसमें कि नाक, गले और मुँह में एक छोटा सा छेद करके उसके जरिए छोटी सी ट्यूब को डाला जाता है। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई मरीज नेचुरल तरीके से सांस नहीं ले पाता है। और वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से हॉस्पिटलों में ही किया जाता है। वेंटिलेटर फेफड़ों में ऑक्सीजन भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है और साथ ही आसानी से सांस लेने में भी मदद करता है। और जो लोग अपने आप से सांस नहीं ले पाते, ये उन लोगों के लिए सांस लेना आसान बना देता है। दोस्तों, ये अक्सर थोड़े समय के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सर्जरी के दौरान या फिर किसी फेफड़ों की बीमारी के वक्त या फिर सांस की बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ मरीजों को कुछ साल तक या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए भी वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और ये मैं आपको बता दूं कि वेंटिलेटर से किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल मरीज को सिर्फ सांस लेने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, मरीज को वेंटिलेटर पर रखने के लिए यानी कि मरीज को वेंटिलेटर का इस्तेमाल करने के लिए हर दिन की लागत 4,000 से 10,000 के बीच हो सकती है, यानी कि ये सब हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में उसकी लागत कम हो सकती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें वेंटिलेटर मशीन की कीमत की, तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ICU वेंटिलेटर की कीमत है वो है 4 से 5 लाख रुपए के भीतर, जबकि एक मीडियम लेवल के वेंटिलेटर मशीन की कीमत है करीब करीब 7 लाख रुपये के भीतर, और हाई लेवल और हाई क्वालिटी के वेंटिलेटर मशीन की कीमत या फिर इंपोर्टेड वेंटिलेटर की कीमत करीब करीब 12 लाख रुपए होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेंटिलेटर से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।